28वीं कहानी धनी जवान शासक। एक दिन एक धनी जवान शासक ने यीशु दे कोल आइए उसी पुछया, हे उत्तम गुरु, हमेशा दी जिंदगी पाने आस्ते मिकी के करना चाहिदा। यीशु ने उसी आख्या, तू मिकी उत्तम की आखना है? खाली एक के उत्तम है ते ओ परमेश्वर है। लेकिन अगर तू हमेशा दी जिंदगी पाना चाहता है ते परमेश्वर दी व्यवस्था दा पालन कर। मिकी कोके कोके हुक्में दा पालन करने दी लोड़ है? उसने पुछया। यीशु ने जवाब दिता, अत्या नहीं करियां, चोरी नहीं करियां, झूठ नहीं बोलियां, अपने माँ ते अपने प्यो दा आदर करियां ते अपने महल्ले वालें गी अपने समान प्यार करियां। लेकिन उस जवान जगते ने आख्या, आऊं अपने बचपन कोला इस सारे हुक्में दा पालन करदा आया है, मिकी हमेशा आस्ते जिंदगी रोने आस्ते आए भी के करने दी लोड़ है? यीशु ने उसी दिखया ते उसी प्यार किया। यीशु ने जवाब दिता, अगर तू सिद्ध होना चाहना है ते जाइए अपना सब किस बेची दे ते ओ धन गरीबें गी बंडी दे ते तुकी स्वर्ग च धन मिलग ते हुन मेरे पिछे चली पो। जे यीशु ने आख्या जिसले उस जवान जगते सुनिया ते ओ बड़ा उदास होया क्योंकि ओ बड़ा धनी हा ते उसने अपनी धन तौलत की देना नहीं चाहिया हा, ओ मुड़िए यीशु कोला चलिया। उसले यीशु ने अपने चेलें गी आख्या, परमेश्वर दे राज्य च धनी लोकें दा प्रवेश करना मुश्किल है। हाँ, एक धनी माणुए दा परमेश्वर दे राज्य च प्रवेश करने दी मसाल च कुसे ऊंट दा सूई दे नाके च आइए निकलना आसान है। जे यीशु ने आख्या, जिसले चेलें ने सुनिया ते ओ हैरान है, उन्हें आख्या, अगर ये इयां है ते परमेश्वर कुसी बचाग? यीशु ने चेलें गी दिखिया ते आख्या, लोकें आस्ते अपना उदार करना मुश्किल है लेकिन परमेश्वर आस्ते किश भी करना मुश्किल नहीं है। पत्रस ने यीशु गी आख्या, अस चेले अपना सब किश छुड़िए तेरे पिछे आई देन है ते साड़ा इनाम के होग? यीशु ने जवाब दिता, हर एक माणू जिसने मेरे कारण घर भरा भैन मां प्यो बच्चे जां धन तौलत गी छुड़िया है ओ उहदे च 100 गुणा ज्यादा हासिल करग ते हमेशा दी जिंदगी भी पाग। लेकिन बड़े सारे जेके पहले ने ओ पिछले होंगे ते बड़े जेके पिछले है ओ पहले होंगे।